السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم महतरम हजरत ख़वा सिलसिलादम तुम में से वो आदमी मोमिन कामिल नहीं है जो आज की कड़ी में हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तहों से वह फरमाते हैं कि प्यारा नबी सल्ला वसम ने इरसाद फरमाया لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि मैं उसके पास सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं उसके औलाद उसके वालिदाइन और तमाम लोगों से बढ़कर औलाद वालदाइन तमाम लोगों से बढ़ के जब तक पैर भी अलैहि वसल्लम किसी के नज़दीक ज़्यादा महबूब ना हो जाए, उस वक्त तक वो मोमिन कामिल नहीं है ये सही मुस्लिम की हदीस है और सही बुखारी और दीगर हदीस की किताबों में बहुत मशहूर और मारूफ हदीस है ये हजरत वो शख्स मोमिन कामिल नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब ना जाने सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह से भी बढ़ के नहीं नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की अलामत यही है कि अल्लाह से भी उनसे बढ़ के मोहब्बत हो और नबी से मोहब्बत की यह अलामत है कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी तात होती है और अल्लाह ने इस आयत में जिसको मुफसरीन ने आयतुल इम्तहान कहा है कि मोहब्बत के इम्तहान की आयत है ये मोहब्बत है तो उसका इम्तिहान कैसे होता है जरिए से इनकुन तुम तो हिब्बनल्ला अगर तुम मोहब्बत अल्लाह से करते हो अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो फोनी तो तुम मेरी इतबा करो अल्लाह से मोहब्बत होगी तो नबी की तात होगी क्योंकि नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते हैं नबी को ये ऊंचा मुकाम दिया अल्लाह ने दिया तो जाहिर सी बात है अल्लाह से सबसे बढ़ के मोहब्बत हो और हदीस में सरात के साथ हैं औलाद वाल और सारे लोगों में सारे लोगों में से सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह के रसूल को रखना चाहिए हजरत उमर तु एक मरतबा प्यारे नबी चल रहे थे और उमर इल्लाहु तआला अनू ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हैं सिवाय मेरी जान के तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आई उमर अभी भी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ तो उमर ने कहा कि देखिए अल्लाह के रसूल अब मेरी जान से बढ़कर आप महबूब हैं तो नबी ने फरमाया अलान या उमर अब ऐ उमर बात बनी है और तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है तो ईमान के तकमिला तकमिले के लिए ईमान के कम्प्लीशन के लिए ईमान मुकम्मल करने के लिए बहुत जरूरी है कि अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। एक सवाल पैदा होता है क्यों नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, मोहब्बत होनी चाहिए अगर लॉजिक के एबार से देखेंगे अहले इल्म ने लिखा है कि किसी से मोहब्बत होती है तो तीन चार इसबाब के तहत मोहब्बत होती है पहली चीज़ ल जमाली उसकी जाहिरी खूबसूरती की वजह से मोहब्बत होती है लगाव हो जाता है दूसरी चीज़ ल कमाली उसके कमालात और उसके ऐसे ऐसे कमालात हैं और ऐसे अबकारी हस्ती और शख्सियत हैं कि उनके कमालात को देखकर उनके तजुर्बात को देखकर उनके इलम को देखकर उनकी सलाहियत और काबिलियतों तो को देखकर आदमी गिरविदा हो जाता है उसको चाहने लगता है और तीसरा सबब, कि किसी के एहसान की वजह से उसके अखलाक की वजह से अखलाक किरदार उसके एहसान और उसके हुसन सलूक की वजह से उससे मोहब्बत होती है और ये तीनों के तीनों अवसाफ किसी एक के अंदर आ जाए बहुत मुश्किल है अगर ये तीन और चार और साफ बैक वक्त एट ए टाइम किसी के पास आतम दर्जे में मौजूद थी वो है मोहम्मद अरबी आप के हुसन जमाल का क्या कहना है क्यों मैसलम फरमाती है चौदहवीं की रात में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख लिबास ज़ेब तन फरमा फरमाए हुए थे कभी मैं चांद को देखती और कभी मैं आमिना के चांद को देखती तो चांद आसमान का चांद के मुकाबले में आमिना के चांद ज्यादा खूबसूरत मुझे नजर आते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां से लोगों ने पूछा कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है यूसुफ अलैहिस्सलाम है या मोहम्मद वसल्लम तो उन्होंने क्या बेहतरीन जवाब दिया कहा कि देखो हुस्न यूसुफ के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुसन के सामने मिसर की औरतों ने उंगलियां काट ली थी उंगलियां काट ली थी और मोहम्मद के हसन से मुतासिर होकर अरब के बड़े बड़े सुरमाओं ने सरदारों ने अपनी गर्दनें कटवा दी अब बताओ कि कौन ज्यादा खूबसूरत है अल्लाह प्यारे नबी सल्लाम केसन जमाल आपके कमालात का क्या कहना है आपके मुझे कमालत आपकी सलाहियत काबिलियत अब आपकी अहलियत आपके जो ये कमालात हैं कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता आपके एहसान का क्या कहना है अल्लाह ने कुरान में देखी अगर किसी जगह पर एहसान जताया है तो प्यारे नबी वसल्लम की बेहसत के जिम्न में जताया है कहा लकतमन इतबाफी रसोलिन ने बड़ा एहसान किया है मोमिनों पर जबकि उन्हीं में से एक रसूल को उनमें मबहूस किया है नबी का आना नबी की बेहसत बहुत बड़ा एहसान है इंसानियत के नाम आपके एहसानात का क्या कहना है आप इंसान तो इंसान है चरिंदे परिंदे दरिंदे सब के लिए आप मोहसिन थे आप मोहसिन कायनात थे आप रहमत आलमीन थे सलना के आलमीन आप इंसान के लिए आलम जन्नात के लिए आलम है फिजा के लिए आलम अर्जी के लिए आलम समावी के लिए हर एक आलम के लिए आप रहमत थे रहमत थे, आप सरापर रहमत थे तो आप बताइए कि आपके पास ये तीनों के तीनों अवसाफ एट ए टाइम मौजूद हैं, इसलिए आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए और जब तक किसी का ईमान ये ना हो किसी को किसी के नज़दीक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाए वो आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता है अब ये इसकी इम्त, इसके इम्तिहान मैंने अभी कहा कि कुल इन इमरान की जो आयत है मुफसरीन ने लिखा कि ये इम्तिहान है मोहब्बत के इम्तिहान की आयत है ये कि अल्लाह से मोहब्बत है रसूल से मोहब्बत है उसका इम्तिहान कैसे होगा इतात के जरिए से तो हमारे दिल में औलाद वन और लोगों की दुनिया के जायदाद और जमीनात इन सब चीजों की मोहब्बत ज्यादा है या अल्लाह उसी रसूल की मोहब्बत ज्यादा है इसको आजमाने के लिए हमें इताद देखना है पैगाम आया नबी का अल्लाह की तरफ से बुलावा आया अलायाल फलाह और यहाँ पर बीवी बच्चे कुछ कह रहे हैं यहाँ पर माँ बाप कुछ कह रहे हैं या दुनिया वाले तिजारत और कारोबार का मसला है या कोई और बात है अब यहाँ पर इम्तिहान है मोहब्बत का इम्तिहान यहाँ है कि इताअत किसकी करते हो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ज्यादा है या, या दुनिया वालों की मोहब्बत ज्यादा है अल्लाह उसके रसूल ने कहा कि यह हराम है और हमारे दुनिया वाले घर वाले औलाद वालिदैन इंसान कह रहा है कि ये काम करो अब यही इम्तिहान है कि देखना कि मोहब्बत किसकी ज्यादा है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ज्यादा है या दुनिया वालों की मोहब्बत ज्यादा है अगर हम दुनिया वालों की मोहब्बत में मगलूब हो जाते हैं तो ईमान हमारा मुकम्मल नहीं है ईमान मुकम्मल नहीं है

कहाके अल्लाह ने कबूल किया है बताओ कि हमारे सबसे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है कहा वो सही सलामत है का अल्लाह का शुक्र है किसी ने कहा कि तुम्हारे बेटे का तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया मारे के में वो काम आ गए शहीद हो गए अल्लाह अकबर नबी की मोहब्बत देखो हब्बी में वही वाली व ना सेन सारों से बढ़कर महब्बत प्यार नबी वसलम से होना चाहिए साहब की जिंदगी में आप इसके इसके बेशुमार मिसालें और बेशुमार नमूने देखेंगे कि वो लोग किस तरह से अल्लाह उसके रसूल से बढ़ के अल्लाह उसके रसूल से सबसे बढ़कर टूट के मोहब्बत किए हैं फूट के चाहे हैं वो लोग आज हमारे पास ये चीज़ नहीं है और अल्लाह उसके रसूल से जितनी मोहब्बत होगी अल्लाह उसके रसूल भी हमसे मोहब्बत करेंगे और जब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के हम हकदार हो जाए सारी दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करेंगे क्यों प्यारे नबी सल्लाम ने फरमाया जब अल्लाह तला किसी बंदे से मोहब्बत करता है अल्लाह अपने करीबी फरिश्तों में ऐलान कर देता है फुला आदमी से मैं मोहब्बत करता हूं तुम भी मोहब्बत करो फिर वो लोग आसमान में सारे आसमान पे मुनादी कर देते ऐलान कर देते हैं तुम भी मोहब्बत करो वो भी करने लगते जमीन पे ऐलान होता है जमीन पे मुनादा उसके बाद ये कहा जाता है कि देखो तुम भी मोहब्बत करने लग जाओ सारे के सारे लोग मोहब्बत करने लग जाते हैं इसलिए हम देखते हैं कि वो लोग चल्ला उसके रसूल की तालीमत कुरान और हदीस से लगे रहें बड़े बड़े मुहदसिन फ़काहा और सलफ साल गुजरे हैं हमारे रिश्तेदार नहीं हैं लेकिन उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है इमाम बुखारी की मोहब्बत बच्चे बच्चे के दिल में है सबा इकराम की मोहब्बत बच्चे बच्चे के दिल में है सलफ सालीन की मोहब्बत बच्चे बच्चे के दिल में है क्यों इसलिए कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं और दुनिया में ऐलान हुआ है कि उनसे मोहब्बत करो हजरात आज इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम अपने ईमान को मुकम्मल करने के लिए प्यारे नबी अलैहि वसल्लम को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को तरजीह दें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को मुकदम रखें तो हमारा ईमान मुकम्मल होगा और अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो वो शख्स कामिल नहीं हो सकता है दोहर रब्बुलमी से अल्लाह तबरकाम और आपको कहने सर सुनने से ज़्यादा अमल की तोफ़ी फरमाएँ अल्लाह ताली सारी दुनिया से इस वबा को दूर फरमाएँ अल्लाह ताली मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू तीनों ईमान अहल आयाल की हिफाजत फरमा जलमीन रमज़ान में हमें इतमान सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा सहत व के साथ रख कर कमाक रमज़ान का हक अदा करने की तोफ़ीकता फ़रमा दें अल्लाह ताली हमारी मस्जिदों को दोबारा आबाद फरमा दें आमीन व आखरदाना أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله نبينا محمد